आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृ पक्ष चल रहा है, पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का, उनके प्रति आदर व्यक्त करने का, ये एक मास कहलाता है, ये महीना कहलाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी जिला, सिवनी शहर भगवान शिव की नगरी कहलाता है और उस शिव की नगरी में भगवान स्वरूप शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज अवतरित हुए। दिघोरी में उनका पितृधाम और इसके अलावा कातलबोड़ी मातृधाम, दोनों स्थानों पर एक देवालय बने हुए हैं। जगतगुरु का सिवनी के प्रति अगाध स्नेह रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सिवनी जिले में मुंडारा से उद्गमित पुण्य सलिला बैनगंगा सिवनी शहर के पास से होकर गुजरती है। पितृपक्ष में गीता पाठ यहाँ पर लोग कराते हैं और इस तरीके की मान्यता भी है। जानकार विद्वान ये भी बताते हैं कि अगर आप घर पर कोई इस तरीके का कर्म करते हैं तो उसका फल पूरा पूरा मिलता है, पर अगर आप देवालय में करते हैं तो उसका फल 100 गुना मिलता है। और अगर आप किसी जल स्रोत के आसपास, नदी सरोवर के आसपास कोई देवालय है वहाँ बैठकर करते हैं तो इसका 1000 गुना फल मिलता है। इस तरीके की बातें, इस तरीके की मान्यताएं हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पुण्य सलिला बैनगंगा का लखनवाड़ा घाट, लखनवाड़ा घाट पर देवालय बने हुए हैं और बहुत पुराना यहाँ ये घाट माना जा सकता है। इस घाट पर पितृपक्ष में विशेष रूप से गीता पाठ कराया जाता है। पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इससे उत्तम और दूसरा तरीका शायद ही कोई हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। पितृपक्ष में सुबह लगभग 4:30 बजे से ही वैनगंगा के लखनगाड़ा घाट में लोगों का जमावड़ा होने लगता है और विद्वान आचार्यों के द्वारा विभिन्न घाटों पर बैठकर लोगों को पितृतर्पण कराया जाता है। तर्पण के दौरान जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, उस ग्रुप में सारी चीज़ें डाली जाती हैं कि क्या क्या आपको लेकर पहुंचना है। और उसके बाद पितृतर्पण आरंभ होता है। सुबह जब सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, भगवान भास्कर उदयांचल में रहते हैं, उदय होते हैं, तब का दृश्य अलग ही मनोरम छटा बिखेरता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। सुबह सवेरे लोग यहाँ पहुँचते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और पितरों के तर्पण के साथ ही गीता पाठ भी बहुत सारे लोग यहाँ कराते हैं। सिवनी में ये आप देख रहे हैं, ये उदीयमान जो अभी ब्राह्मण विप्र बंधु दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ये अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, पर ये सब कर्मकांड आदि को सीख रहे हैं। किस तरह से इन्हें भविष्य में इन चीज़ों को करना है इसे समझ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग घाट पर तैयारी करते हुए दिख रहे होंगे। कुछ लोग जो तर्पण कर चुके हैं वे प्रस्थान की तैयारी में हैं। आइए सुनते हैं गीता पाठ किस तरह होता है। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान् वाचः मय्यासक्तमनापासा योगं चिन्मनाशयः असन्दयं चक्रमाव्यकारिकाश्च चक्रणो ज्ञानं देहं वैज्ञानं यत्पक्षाशेषतः यज्ञात्वादे भूयो यज्ञातव्यमनुशिष्यते मनुष्याणां सर्वेषु रज्यचिद्विष्क्रये आय चुनाव
ये आपको हमने नज़ारा दिखाया गीता पाठ का। और ये देखिए, जल में बैठकर घाट पर पानी है और लगभग कमर तक पानी में बैठकर पितरों का तर्पण आचार्यों को द्वारा कराया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जिनके पिता ब्रह्मलीन हो जाते हैं, वे तर्पण के लिए यहाँ पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पर लाइन से बैठे हुए लोग तर्पण करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। विद्वान आचार्यों के द्वारा पूरी तरह निशुल्क ये कार्य कराया जाता है और निशुल्क कार्य कराने के बाद जब पितृ मोक्ष अमावस्या पर लोग यथाशक्ति दान आचार्यों को करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शिव की नगरी सिवनी का ये लखनवाड़ा घाट हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ हम इजाज़त लेना चाहेंगे। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।